बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स सिद्रा हियर। वेल, फिर से बारिश हो रही है और आज सुबह सुबह हमने सहन में देखा कि एक छोटा सा परिंदा आ गया है जिसको उर्दू में इंग्लिश में क्वेल बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं तीतर या बटेर ही कुछ बोलते होंगे, और पश्तो में जिसको तंजरे बोलते हैं, जो कि हमारा तो हरगिज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ से उड़कर आया है। आज बारिश हो रही है और बच्चे फरमाइश कर रहे हैं कि मामा हमारे लिए चॉकलेट केक बनाओ क्योंकि हम एग्ज़ाम्स में पास हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो वो केक बना लेते हैं, तो चलें चलते हैं और बनाते हैं वो केक जी। तो इंग्रेडिएंट्स तो मैंने साथ में लिख दिए हैं, एक कप ऑयल लेना है, एक कप ही शुगर लेना है और 3 आपने एग्स लेनी है साथ में, ठीक है। और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। वेल, मेरे ब्लेंडर का जो है ना ढकना कहीं खो गया है, तो इसलिए मैंने शॉपर की मदद से जो है ना इसका ढकना लगा दिया है। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ कमेंट्स शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत लवली होते हैं। हर बार ये अफराद जो है ना ये बहुत लवली लवली वर्ड्स ड्रॉप करते हैं, इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे विशेस ड्रॉप करते हैं जो सीरियसली मुझे बूस्टअप कर देते हैं, मेरी इनर्जी को बिल्कुल लाइक पीक पर लेके जाते हैं सीरियसली। और मैं हमेशा अपबीट फील करती हूँ इनके काइंड वर्ड्स रीड करके, इनके इनकरेजिंग रिमार्क्स पढ़ के। सीरियसली यार, इन लोगों आप सबके जो है ना कमेंट्स मुझे बहुत मैटर करते हैं, मेरा मूड बनाते हैं, बिगाड़ कभी नहीं है। लेकिन वेल, आई एम रेडी, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है भाई। लेकिन सो फार तो आप बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसके अलावा मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि कमेंट्स तो नहीं करते लेकिन वो मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है ज़किया का, ज़किया अनवर जिसका नाम है, जो कि अभी मेरे साथ मेरी सिटी में नहीं रह रही है, वो रह रही है पेशावर में। दूसरा नाम है हसीना आसिफ का, तीसरा नाम है हसीना सफदर का, और भी बहुत सारे नाम है, और यस मेरी कज़न सुमेरा का। ये कुछ लोग हैं जो कि मुझे बहुत मैटर करते हैं सीरियसली, मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं, तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वेल, आज मैं केक बना रही थी चॉकलेट, और इसके अलावा मैं बना रही थी छोले चाट, और इसके अलावा मैं बना रही थी बिरयानी। तो मैंने सोचा अकेले अकेले क्यों खाएं भाई, किसी को साथ में बुला लेते हैं, और किसी को क्यों अपनी सबसे प्यारी सहेली को बुला लेते हैं, ज़ाकरा को। तो ज़ाकरा आ रही है आज जी। इधर मेरा जो छोले था वो सोख हो चुका है, पानी बॉयल हो चुका है, तो बस मैं इसको उबालने चढ़ा देती हूँ। और ज़ाकरा को मैंने बोला कि यार हम अपने लिए तैयारी कर तो रहे हैं, बस तुम भी आ जाओ साथ में, खट्टा हम डिनर कर लेते हैं। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैंने बिरयानी नहीं खानी है, मैंने जो है ना पुलाव खाना है। तो मैंने स्किप कर दिया आइडिया कि चलो ठीक है पुलाव बना लेते हैं। अच्छा जी, इधर हमारा केक हो चुका है जो कि पता नहीं जला लग रहा है, जला हुआ है रब्बा। बाय द वे, जला हुआ तो नहीं था लेकिन अभी पता नहीं कैमरा में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये जल गया हो। वेल, इट्स फाइन, कोई बात नहीं भाई, ज़िंदगी है, सब कुछ होता रहता है। अच्छा जी, तो मैंने पुलाव बनाने के लिए जो है ना गोश्त उबाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूर ना होता इतनी देर लगा दी, क्यों सर्दी थी यार। ना उधर ये तुम कहाँ से आ रही हो, कितनी देर लगा दी तुमने। वाह, तुम्हारा सूट बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। वाह, स्वेटर भी नया शायद है ना। नहीं, नया तो नहीं है शायद। हाय रब्बा, हमारी ओवर एक्टिंग, काटो 50 रुपए ओवर एक्टिंग के। मैं समझी हम बहुत बड़ी अच्छी एक्टिंग करेंगे, बट ना यार मुझे तो एक्टिंग नहीं आती, मुझे आज पता चला। हेलो मुजिदा, हाय चंगी चंगी जड़बी, आई क्या चोकरे पीछे को ले बछड़ी दे अफाक उस पे गुजार के रहना अफाक। अच्छा स्पोंग में संगे खैद खैरा। अब ये वाली एक्टिंग थोड़ी सी बढ़िया थी ना। अच्छा जी, तो मैंने ज़ाकरा को लगा दिया है काम पे, मैंने उसको बोला कि तुम खजूमर बना दो चाट के लिए। इधर मैंने चिकन चढ़ा दिया है, पुलाव भी मैंने चढ़ा दिया है, चिप्स बना रही हूँ जिसके लिए मैंने चिप्स काट दिए हैं, शामी कबाब मैंने बना दिए। सॉरी, मैंने बहुत सारे शॉर्ट से क्लिप्स जो है ना वो मुझे स्किप हो गए, और जो अच्छे से मैंने बर्तनों में बढ़िया से सजाए हुए थे वो तो मैंने अपने शोहर हजरातों के लिए जो है ना वो बैठक में वो भेज दिए हैं, और अपने लिए जो है ना घर वाले बर्तनों में ऐसे ही बस मैंने सर्व कर दिया। ऑल्दो मुझे पता तो था कि यूट्यूब के लिए मैं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी यार और ये हमारी पार्टी हो रही है। ऋचा, ये हम है और ये हमारी फ्रेंड है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ज़ाकरा मेरी ऐसी फ्रेंड है कि जिसके साथ मेरी कोई फॉर्मेलिटीज़ वाला वो रिश्ता नहीं है, कि जो मैं अपने लिए बनाती हूँ बस उसी को वही खिलाती हूँ, ना इसके लिए इवन अच्छे वाले बर्तन निकालती हूँ सीरियसली।
इधर जो है ना जाकरिया घर चली गई किसी काम से, उस बस उनका घर जो है ना चार घर छोड़ के उनका घर है, तो वो जल्दी इससे चली गई अपने घर कोई काम अपना निपटाने, और इधर मैं बच्चों को नचवाने लगी। इस मामले में मैं जो है ना मैं गब्बर टाइप हूँ और बसंतियों को मैं नचवाती रहती हूँ जी। तो मैं बोल ये रही थी कि ये जाकरिया मेरी ऐसी फ्रेंड है जो दखले नोड़ा रासा रही भाई, इसको मैं उर्दू में नहीं ट्रांसलेट कर सकती, आप लोग बेटर यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो अभी जो है ना हम केक काट रहे हैं, और बच्चों की तो आदत होती है कि केक काटते हुए वो क्या सिंग करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, चाहे किसी के बर्थडे हो चाहे किसी के बर्थडे ना हो, लेकिन फिर भी आपको ये सुनने को मिलेगा हैप्पी बर्थडे टू यू। और चलें जिसकी भी बर्थडे हो उसके लिए हमने ये केक काट दिया। बाय द वे इन सारे बच्चों को जो है ना मेरे हाथ का केक बड़ा पसंद होता है। ये हिब्बा है जो कि बाकी बच्चों को जो है ना केक के बाइट्स खिला रही है, ये बड़ी अच्छी बच्ची है। अच्छा जी, तो जाकरा ने केक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको खिला दिया, और सारे के सारे बच्चे की चाय के साथ अपने केक एंजॉय कर रहे हैं। और उफ़ किचन की हालत, इतने सारे बर्तन, या खुदाया मेरी मदद फरमा या अल्लाह। जी जाकरा ने जाते हुए जो है ना बच्चों को जो है ना कैश प्राइज़ दिया, वो बोल रही थी कि मैं बच्चों के लिए कोई इनाम कोई गिफ्ट लाना चाह रही थी के लिए, लेकिन नहीं ला सकी, जो कि मैंने बोला कि हरगिज़ ये फॉर्मेलिटीज़ मुझे तो नहीं चलने वाली यार, ऐसे नहीं करो, लेकिन उसकी ज़िद थी तो उसने दे दिया। बस दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा, और अब टाइम है कि मैं बैटल फील्ड में जंप करूँ और सब कुछ क्लीन एंड क्लियर करके किचन को छोड़ दूँ। जी तो आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, आप सबका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है मेरी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी, लेकिन अच्छी होगी इंशाल्लाह से, और मैं आपको कई करके दिखाऊंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का, अल्लाह हाफ़िज़।